नमो आयरियाणम नमो लुई सौ पंचनमो यारो सौ पाव प्रणासनो मंगलाणम च सभी सिम परम हवई मंगलम। महावीर भगवान की, परम पूज्य शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तप सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, चतुपट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। जब बच्चे होते हैं तो हाथ में टिफिन का डब्बा होता है, टिफिन बॉक्स होता है, लंच बॉक्स होता है, खाने का रोटी का डब्बा होता है स्कूल ले जाने के लिए। जब छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है, टिफिन का डब्बा होता है। जब नौकरी पे जाते हैं तब भी हाथ में डब्बा होता है। जब बूढ़े होते हैं, जब बड़े होते हैं तो हाथ में चश्मे का डब्बा होता है। कोई सौभाग्यशाली ऐसा भी होता है उसके हाथ में पूजा का डब्बा होता है, चावल का डब्बा होता है, लौंग सुपारी इलायची का डब्बा हुआ करता है, पूजन किया करता है। वो टिफिन का डब्बा जो होता है, जो लंच बॉक्स होता है, जो टिफिन डब्बा होता है जिसमें रोटी भरी होती सब्जी भरी होती है, वो टिफिन का डब्बा जब हाथ में आता है तो पेट की भूख शांत हो जाती है, पेट की आग शांत हो जाती है। जब पूजन का डब्बा जब हाथ में आता है तो आत्मा में लगी आग शांत हो जाती, कषायों की आग शांत हो जाया करती है। तो कषाय की आग को, उस क्रोध की अग्नि को, जो ईर्ष्या की अग्नि को ठंडा कर देने के लिए वो जरूरी होता है, ठंडक जरूरी होती है। बाहर कितनी ठंडक जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भीतर कितनी ठंडक है। बाहर की ठंडक से नाक बहना शुरू हो जाती है। क्या बाहर की ठंडक रहेगी तो नाक बहना शुरू हो जाएगी। नाक बहना मतलब क्या, नाक को भय तो रोकना नहीं चाहिए। कौन बोला चाट लेना चाहिए, कौन बोला, तू बोले चाट लेना चाहिए ना, नाक भय तो उसको रोकना नहीं चाहिए। गंदगी सारी बाहर निकल रही है, तीन दिन से अधिक भय, उल्टी हो, दस्त हो, जुकाम हो, बुखार हो, तीन तक कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मात्र उपवास करना चाहिए, उपवास नहीं बने तो सिर्फ गर्म पानी पियो, उतना भी नहीं बने तो मात्र कोई सूप या सलाद, मात्र एक फल या मात्र एक सब्जी, उसी पे तीन दो तीन दिन, तीन दिन तो रहने ही चाहिए। उतना भी नहीं बने तो एक फल की बजाय दो फल कर लो, एक सब्जी की बजाय दो या तीन सब्जी कर लो, सलाद के रूप में या सूप के रूप में। और अधिक खाओगे तो फिर तो स्वाहा, गंदगी। क्या जब बाहर ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या शरीर खांसी के माध्यम से, कफ के माध्यम से, नाक बहने के माध्यम से गंदगी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। जैसे आंख में कीचड़ नहीं आता है, आंख में कीचड़ आता है तो ऐसा कौन सा वैज्ञानिक जिससे दवाई बनाई हो कि आंख में से कीचड़ ना आए, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। भीतर गंदगी होती है वो कीचड़ के माध्यम से, मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकलती, पसीने के माध्यम से बाहर निकलती है। और जब आप दवाई गोली लेकर के इस गंदगी को बाहर निकलना से रोक देते हैं तो गंदगी खट्टी होना शुरू होती, गंदगी खट्टी होना शुरू, गंदगी खट्टी होना शुरू होती, फिर क्या होता है तो हजार तरह की समस्या बीमारियां पैदा हो जाया करती है। आज मैं देख रहा था, मैं क्या, मैं वो पानी छीट रहा था, मंदिर बन रहा है, तीर्थ का निर्माण, दिनशासन तीर्थ का निर्माण जोर शोर से प्रगति की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहा है। तो मजदूरों को देखा मैंने, वो पानी छीट रहे थे, तो मैंने पूछा सज्जन से कि क्या कर रहा है ये, क्यों पानी वेस्ट कर रहा है। नहीं महाराज, पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, पानी का सदुपयोग हो रहा है, पानी का सदुपयोग हो रहा है। क्या सदुपयोग हो रहा है, वेस्ट तो हो रहा है। बोले नहीं महाराज, अभी नई नई सीमेंट लगी है। क्या अभी नई नई सीमेंट लगी हुई है, अभी भी सीमेंट लगी है, कभी कली सीमेंट लगी है, पानी डालेंगे सीमेंट में मजबूती आएगी, तराई हो रही, तराई क्या, उस पानी की तराई हो रही है, पानी डालेंगे पानी जाएगा तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी, और जिनवाणी जाएगी कान में तो जीवन मजबूत बनेगा, आत्मा धर्म अध्यात्म को मजबूती और बल और संबल और सहारा और ताकत मिलना शुरू होगी। जरूरी होता है, वेस्ट नहीं हो रहा है। ये लोग बोलते हैं ना, अरे मंदिर में जा, मंदिर जाएंगे तो एक घंटा वेस्ट हो जाएगा। कई लोग तो डाउट भी करते हैं, यहां जो मेरा टाइम दिया कहीं वेस्ट तो नहीं हो गया, कहीं टाइम बर्बाद तो नहीं हो गया, जो पैसा खर्चा किया है धर्म में, अध्यात्म मंदिर के अंदर,
यहाँ जो समय खर्चा किया है, जो दिमाग खर्चा किया है, जो ऊर्जा लगी, कहीं बेकार तो नहीं चली जाएगी? अरे ना, बेकार नहीं जाएगी। इतना सा दोगे, इतना सा दोगे, इतना सारा मिलने वाला है। आप एक बूंद दोगे, बदले में आपको सागर भर भर के आपको मिलने वाले हैं। अपने एक बूंद देना पर सागर भर के मिलते हैं। एक ये सागर, एक वो सागर। अभी दो ही सागर मिले हैं क्या? अभी दो ही सागर मिले हैं। बछड़े को प्यार दोगे तो कल को गाय भी आएगी क्या? बच्चे को दुलार दोगे तो बाप भी पास में आएगा। शिष्य को दुलार दोगे तो कल कभी गुरुदेव भी कभी आएंगे। खबर तो पहुंच रही है। गुरुदेव आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के पास में, बड़ा सुंदर चौमासा हुआ था। फिर अभी कल ही परसों कई सज्जन आए, परसों सज्जन आए थे। बोले सुना है मदार में खूब उत्साह है, खूब जोश है, खूब आनंद है। आपको कैसे मालूम पड़ा? बोले टीवी में सुना था हमने। जो टीवी कैसी चीज हो गई, यहाँ की खबर वहां तक पहुंच जाती। बताओ, टीवी का सहारा लो, मोबाइल का सहारा लो, टीवी का सहारा लो, मोबाइल का सहारा लो, क्षण भर के अंदर, सेकंड भर के अंदर यहाँ की खबर वहां पहुंच जाती है, यहाँ की घटना वहां पहुंच जाती है। भक्ति का सहारा लो तो ये आत्मा सिद्ध लोक तक पहुंच जाती, मोक्ष तक पहुंच जाया करती। सहारा जरूरी होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस जरूरी होता है। यहाँ गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के चिल्लाओ, आपकी आवाज दो चार किलोमीटर, एक किलोमीटर बहुत ज्यादा बोल गया मैं, 200-400 फुट से ज्यादा दूर भी नहीं जाने वाली है, वहां तक नहीं जाने वाली है। लेकिन टीवी सामने होती, कैमरा सामने होता है क्या? फेसबुक पर लाइव चल रहा होता, यूट्यूब पर लाइव चल रहा होता है, इंटरनेट का सहारा लेते हैं, आपकी आवाज कहां से कहां तक पहुंच जाती है। किसी आम इंसान को समझ नहीं पड़ने वाला है कि कोई गांव का आदमी आ जाए, लाइफ में कभी कैमरा देखा नहीं, कभी मोबाइल देखा नहीं, सामने मोबाइल लगा हुआ है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, किसी इंस्टाग्राम पर लाइव चल रहा है, यहां बैठ के दुनिया भर में लोग उसको जूम पर, इस पर, उस पर, जगह जगह लोग, दुनिया भर में लोग बैठे बैठे सुन रहे हैं क्या? अब उस इंसान से पूछो ये क्या चीज है, क्या मालूम क्या बीच में क्या लगा दिया, डंडा सा लकड़ी सा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, उसके चक्कर के ना हटाओ इसको यहां से, बोलो आप। वो गांव का आदमी बोलेगा इसको हटाओ यहां से, ये व्यवधान है, ये अवरोध है, इसको हटाओ यहां से। लेकिन शहर का आदमी बोलेगा नहीं, हम तो बैठे बैठे सुन रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे नहीं आ पाए उनका क्या, तो उनके लिए लगा हुआ है। ऐसी पूजा, ऐसी भक्ति, ऐसी साधु की संगत में बैठ करके, साधु के रंग में अपने मन को रंगने की कला क्या? आज आप यहां बैठ के सुन नहीं रहे हैं, ये आप लाइव कर रहे हैं, लाइव आज आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं अपने आने वाले खुद के भविष्य के लिए। यहां जो लाइव हो रहा है, यहां जो लाइव हो रहा है, वो लाइव किसके लिए हो रहा है? किसी और के लिए लाइव हो रहा है। आप तो यहां बैठ के सुन रहे हैं, कहीं कहीं और कोई और बैठ के कहीं और सुन रहा होगा, लेकिन लेकिन यहां पर हम बैठ करके जो अपने आप को सुना रहे हैं, अपने आप को तो सुना ही रहे हैं, साथ में अपने पिछले जन्मों को भी सुना रहे हैं। मनोविज्ञान की विधि आप सिखाते बताते रहता हूं मैं कि कैसे कोई घटना इंसान के जिंदगी को बर्बाद, कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, कोई भूल हो गई, आप जिंदगी भर उस गलती के लिए, उस अपराध के लिए अपने को ताने मारे जाते हैं, अपने आप गालियां दी जाती है। उस मौके पर मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं बोल पाया। उस मौके पर मुझे वो नहीं बोलना था, मैं वो बोल दिया। मैं उस मौके पर मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया। या उस मौके पर जो नहीं करना था वो मैं कर गुजरा। मैं कुछ गलती हुई, भूल हुई, चूक हुई, अपराध हुई, छोटी गलती हुई, बड़ी गलती हुई, अकेले में हुई, सबके सामने हुई। कुछ तो कमी इंसान के अंदर होती है, कोई तो कमजोरी इंसान के अंदर होती है, कुछ चीज रह रहे के सालती है, सालना बोलते ना, कुछ चीज रह रहे के चुभती है। मैं बुद्धू क्यों हूं, मैं ढक्कन क्यों हूं, मैं पागल क्यों हूं? आप लोगों से किसी बात करते हैं उससे आपका भविष्य का निर्माण नहीं होता है क्या? कम्युनिकेशन स्किल, हम लोगों से किसी चर्चा करते, लोगों से किसी बात करते, उससे भविष्य का निर्माण नहीं होता है। भविष्य का निर्माण कैसे होता है, जिनकी सजति कैसे है, हम खुद अपने आप से किस तरह की बातें करते हैं, स्व संवाद, खुद से खुद की बातचीत, क्या सोचते अपने बारे में, क्या सोचते हैं मेमोरी के बारे में, पैसे के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, ताकत के बारे में, बुद्धि के बारे में, ज्ञान के बारे में, क्या सोचते हैं आप अपने आप, अपने आप के बारे में? चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए।
चेक करिए और अब एक काम करना, कोई घटना को उठा करके देखिए, कोई घटना मुझे उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा बोलना चाहिए था, कोई घटना को लेकर के या पूरी होल लाइफ को लेकर के क्या विचार है? मेरी डायबिटीज खत्म नहीं हो सकती, मेरा मोटापा खत्म नहीं हो सकता है, क्या मेरी बीमारी खत्म नहीं हो सकती है? ये सांस सुधरने वाली नहीं है, जब पति ऐसे ही रहेगा, ये पड़ोसन है, वो वाला बॉस, वो अध्यक्ष, वो मंत्री है, वो डिपार्टमेंट वाला, वो अमुक ऑफिसर, इनका कुछ नहीं हो सकता। आपने क्या निगेटिव विचार मन में पाल कर रखे हैं अपने लिए या किसी और के लिए? अब एक काम करना, पहले चेक तो करो कि कौन से निगेटिव विचार आपके मन के अंदर हैं, जिनको बदलना चाहते हो, जिनसे छुटकारा नहीं पा सक रहे हो, है ना? भीतर कौन कौन सी आवाजें घूम रही, घूम रही है, बाहर कितने बादल उमड़े घूमड़े उसको फर्क नहीं पड़ता है, बाहर कितनी गाड़ियों को ट्रैफिक का शोर है उसको फर्क नहीं पड़ता है, भीतर कितना शोर है। हम बैठे हुए थे, एक सज्जन दर्शन करने आए, हम चर्चा नहीं की उनसे, हम चुप रहे, 5-7-10 मिनट बैठे, ज्यादा नहीं, 5-7-10 मिनट ही बैठे, और जाते आते बोल डायलॉग मारे, लगता है महाराज जी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब महाराज जी नाराज है, महाराज जी हमसे कुछ मन का, देखो भाई ऐसा है, जन्मों जन्मों की यात्राओं में शब्दों का शोर चला है इस दिमाग के अंदर, अब वो शोर को थमना शुरू हुआ है, अब शब्दों का ट्रैफिक, विचारों का वो शोर, वो कोलाहल, वो हंगामा, वो धीमे धीमे थमना शुरू हुआ, थमने दो ना उसे, वो तूफान को शांत होने दो। मनुष्य जीवन मिला है तो क्या पिछले जन्मों की तरह, जानवरों के जीवन के की तरह जो कुछ कोलाहल था विचारों का, जो जमघट था शब्दों का, वो ऐसे ही बना रहेगा? कुछ प्रोग्रेस तो कुछ होनी चाहिए ना, प्रोग्रेस होनी चाहिए। किसी ने ताने मारे हो, डायलॉग मारा हो, या हमेशा मन के अंदर विचार आते रहता हो, जैसे मैं सोचता हूं कि मुझे लोगों के नाम याद नहीं होते, अब जो लोग का नाम याद नहीं होते तो फिर थोड़ा सा वो उन्हें ठीक भी नहीं लगता, वो थोड़ा सा, अरे वाह हमने 4 महीने लगातार आपकी सेवा करी और आपको हमारा नाम भी नहीं याद है, बताओ आप। तो ऐसा कौन सा विचार जो बराबर कंटिन्यूस रिकरिंग थॉट जो बराबर आपके मन के अंदर चलता रहता है? अब एक काम करना उस विचार से मुक्ति पाने के लिए, क्या उस दर्द से, भूत, अरे भूत कुछ नहीं होता है, भूत परेशान करता है, पर भूत वाला भूत, प्रेत वाला भूत नहीं, भूत कौन सा भूत, भूत काल वाला भूत। लोगों को दुखी रहने की आदत पड़ जाती है, कोई एक विचार बार बार आता है, बीमारी का, रोग का, झगड़े का, इसका उसका, कोई विचार बार बार आता है, तो कैसे मुक्ति पाए? भविष्य का विचार मन के अंदर आता है कि भविष्य में ऐसा हो ना जाए, आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में ऐसा हो ना जाए। एक गजब टेक्निक सिखा रहा हूं मनोविज्ञान की, मैं पिछले दिनों फिर बताई थी, आज फिर से आपके सामने शेयर कर रहा हूं मैं। कौन सा विचार मन के अंदर है बताओ आप, कौन सा विचार मन के अंदर है? मान लो कि मेरा मोटापा खत्म नहीं हो सकता है, या मेरा पतलापन खत्म नहीं हो सकता है, तब उस विचार को किसी और टोन में बोलो, अलग स्टाइल में बोलो, अलग अंदाज में बोलो, मेरा मोटापा कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, गाकर के बोलो, बहुत ही स्पीड में बोलो, बहुत हकला करके बोलो, टोन चेंज कीजिए, बोलने का स्टाइल चेंज कीजिए, और बार 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 उसको रिपीट कीजिए, तो उसे ऐसा होगा कि वो शब्द पावरलेस हो जाएगा, उस शब्द की ताकत खत्म हो जाएगी, वो लाइन जो लाइन आप बार बार दोहरा रहे हैं, मेरी डायबिटीज, मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरा शुगर, मेरे घुटने का दर्द, मेरी कमर का दर्द, मेरी गायनिक प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, गायनिक, और जेंट्स को कौन सी प्रॉब्लम होती है, लेडीज को गायनिक प्रॉब्लम और जेंट्स को भैंसनिक प्रॉब्लम, गायनिक प्रॉब्लम, भैंसनिक प्रॉब्लम, जो कोई सी प्रॉब्लम हो, गायनिक हो या भैंसनिक हो, लेडीज को भैंसनिक प्रॉब्लम होनी चाहिए, जेंट्स को तो गायनिक प्रॉब्लम होनी चाहिए, जेंट्स फूलते नहीं थोड़े से ज्यादा, तो क्या, तो जो भी प्रॉब्लम हो, धंधे की प्रॉब्लम है, पति से प्रॉब्लम है, पत्नी से कोई सी प्रॉब्लम हो, आप हंस के बोलिए। जब आप शब्दों को अलग ढंग से बोलना शुरू करते हैं, तो उन शब्दों के साथ का जो दर्द होता, दर्द पूरा
खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता है। आप भूतकाल के दर्द से मुक्ति आप पा लेते हैं। कोई बड़ी भारी घटना घटी जीवन के अंदर, एक्सीडेंट हुआ हो, कोई कोई आपने आंखों के सामने किसी का मर्डर हुआ हो, किसी ने बड़ा भारी अपमान किया हो, कोई किसी ने बहुत पकड़ के ठोका हो, पीटा हो, इल्जाम लगाए हो, ताने मारे हो, गालियां दी, कुछ भी लाइफ में बुरी से बुरी घटना घटी हो, धंधे में घाटा हुआ था, आग लग गई थी, भूकंप आया था, मकान ढह गया था, कोरोना में आपका अपना दिल का टुकड़ा ऊपर चले गया था, सर से धार गया था, अब क्या, अब वो दर्द को खत्म कैसे किया जाए, उस घटना की उस कैसे खत्म किया जाए, उल्टा कर दो। उल्टा कैसे, बस टकराई थी आपसे, दो घंटे बाद तक होश नहीं आया था, दो घंटे बाद आपको होश आया था, अब उल्टा करो, रिवाइंड करो, उस चीज को रिवाइंड करना सीखो। अब यहां पर है, बिल्कुल मैं होश में हूं, उल्टा करना शुरू करो उसको। उल्टा, उल्टा कैसे, पहले बस में चढ़े, बाद में एक्सीडेंट हुआ, तब पहले एक्सीडेंट देखो, पहले सबसे पहले एक्सीडेंट देखो, फिर उसके पहले का सीन देखो, फिर उसके पहले का सीन, फिर उसके पहले का सीन, फिर उसके पहले का सीन, फिर उसके पहले का सीन देखो, और फिर सबसे पहले का सीन कौन सा रहेगा, सबसे पहले का सीन कौन सा, सबसे पहले सीन कौन सा रहेगा, एक्सीडेंट सबसे बाद में होता, सबसे पहले एक्सीडेंट को देखो आप, बस का एक्सीडेंट हुआ था, और सबसे लास्ट में का सीन देखोगे, मैं बस से उतर करके अपने घर के अंदर वापस लौट गया। मैं शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत कहां से हुई थी, आप घर से निकले थे, बस से बैठे थे, बस चली थी, एक्सीडेंट हुआ था, उल्टा कर दीजिए, एक्सीडेंट हो रहा है, मैं बस में बैठा हुआ हूं, मैं बस से नीचे उतर रहा हूं, मैं वापस घर लौट के जा रहा हूं, मैं गजब चीज है अपने आप में। किसी भेड़िए ने, किसी भैंस ने, किसी गाय ने, किसी सांड ने आप पे अटैक किया था, किसी इंसान ने आप पे आक्रमण किया था, उल्टा करिए इस घटना को। वो आक्रमण कर रहा है क्या, वो आक्रमण कर रहा है तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, आपकी तरफ आएगा, अब उसको रिवाइंड कीजिए, उल्टा के घटना को, आप मुझसे और दूर जा रहा है,